सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलोदा आपके साथ एक नई कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। कविता का शीर्षक है रुबाइयाँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, आज जिस चैप्टर हम चर्चा करते हैं, उस चैप्टर से पहले का जो हमारा अध्याय है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। इससे पिछली कविता थी, कवितावली के उत्तरकांड से ली गई कविता और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। कवितावली के उत्तरकांड से जो कविता ली गई है उसमें दिखाया गया है, बताया गया है कि किस प्रकार युगीन परिस्थितियां हमें उस समय को समझने का एक उचित और सरल अवसर प्रदान करती हैं। अगर हम किसी भी जगह की परिस्थितियों के बारे में जान जाएं, तो वहाँ के रहन सहन, खान पान, आचार विचार, व्यवहार आदि के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसके माध्यम से बताया गया है कि सामान्य मनुष्य सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। जब थोड़ा सा दुख आता है तो दुखी हो जाते हैं, जब सुख आता है तो खुश हो जाते हैं। भगवान श्री राम भी यहाँ नर लीला कर रहे हैं, अपने भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। उनके भाई लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो वे भी एक सामान्य मनुष्य की तरह, एक सामान्य व्यक्ति की तरह विलाप करने लगते हैं। अब हम जो आज की हमारी कविता है, फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ और गज़ल, तो आज हम केवल रुबाइयों की ही वीडियो बनाएंगे, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट लेंगे हम गज़ल। पहला भाग होगा रुबाइयाँ। फिराक गोरखपुरी, इनका जो मूल नाम है, पूरा नाम है रघुपति सहाय फिराक है। फिराक इनका उपनाम है, इनका सरनेम है, और गोरखपुर के ये रहने वाले थे, इसलिए इनका नाम फिराक गोरखपुरी नाम से प्रसिद्ध हो गया। जैसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इसकी अपेक्षा कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्योंकि यह उनका सरनाम है। तो रुबाइयाँ हम किसे कहते हैं, सबसे पहले उद्देश्य पर चर्चा करते हैं, उसके बाद उसके सार पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ हम रुबाइयाँ शीर्षक पर चर्चा करेंगे कि रुबाइयाँ है क्या। प्रिय विद्यार्थियों, आपने छोटी क्लासेस में, छोटी कक्षाओं में दोहे पढ़े होंगे, आपने चौपाई पढ़ी होंगी, उसी प्रकार का यह भी एक छंद है रुबाई। संख्या में ज़्यादा हैं इसलिए इन्हें रुबाइयाँ कहते हैं। आप यहाँ देखेंगे सबसे नीचे इसकी परिभाषा दे रखी है कि रुबाइयाँ किसे कहते हैं। इनमें चार पंक्तियाँ होती हैं, पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति की जो तुक होती है, लय होती है, वह मिलती है, और तीसरी पंक्ति अपने आप में स्वतंत्र होती है। इसको पढ़कर दिखाता हूँ मैं। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें चार पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वछंद होती है। अब हम इस कविता के उद्देश्य पर चर्चा करते हैं कि ये रुबाइयाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में क्यों दी गई हैं, क्या ये कहीं जीवन में हमारे काम आने वाली हैं, क्या इन कविताओं को पढ़कर हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, क्या इससे हमारा आचार व्यवहार सुधर जाएगा, क्या ये कविता पढ़ने से हम ज्ञानवान और विद्वान बन जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। तो पहली रुबाई हम पढ़ते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। पांच रुबाइयां यहां दी गई हैं, और पांच रुबाइयों में जो पहली चार रुबाइयां हैं उनमें मां और उसके बच्चे का वर्णन किया गया है। यहां वात्सल्य रस का वर्णन है, जहां माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम प्रदर्शित होता है, वहां वात्सल्य रस होता है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को,
चांद का टुकड़ा, अर्थ है प्यारा बच्चा, प्यारी संतान। माँ अपने आंगन में खड़ी है और अपने चांद के टुकड़े को, अपने बच्चे को हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी, उसे अपने हाथों में लिए हुए है और गोदी में रख करके उसे झूला झूला रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती, लोका, लोका का मतलब है उछालना, रह रह के हवा में जो लोका देती कि माँ रह रहकर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने बच्चे को हवा में ऊपर उछालती है, और जब माँ बच्चे को ऊपर उछालती है तो बच्चा क्या क्रियाकलाप करता है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, बच्चा खिलखिलाने लगता है, हंसने लगता है, और उसकी हंसी उस परिवार में, उस आंगन में गूंजने लगती है, जिससे माँ बहुत खुश हो जाती है। तो ये हमारी पहली रुबाई थी। दूसरी रुबाई, नहला के छल के छल के निर्मल जल से उलझे हुए गेसों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। माँ, माँ ने निर्मल जल ले रखा है, निर्मल का मतलब स्वच्छ, स्वच्छ जल ले रखा है, और ये जल कैसा है, छलके छलके, यानी यह छलक रहा है। आपने एक लोकोक्ति भी सुनी होगी, अध जल गगरी छलकत जाए, कि जो गगरी, जो मटकी होती है, अगर वह आधी भरी हुई होती है तो उसमें से पानी छलकता रहता है, बाहर निकलने का खतरा रहता है। तो माँ निर्मल जल लिए हुए है, स्वच्छ जल लिए हुए है, और बच्चा है इसलिए जल की मात्रा कम है, और जिस भी पात्र में माँ इस जल को लिए हुए है वह जल छलक रहा है। कहने का अर्थ है कि माँ निर्मल जल से, स्वच्छ जल से अपने बच्चे को नहलाती है, नहलाने के बाद बच्चे के जो गेसुओं, गेसु का अर्थ होता है केश, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके बच्चे के जो उलझे हुए बाल होते हैं उनमें कंघी करती है, उन्हें संवारती है, और संवारने के बाद किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। जब माँ अपने घुटनों में ले करके और बच्चे को कपड़े पहनाती है तो बच्चा प्यार से अपनी माँ की तरफ देखता है, शायद सोचता है कि ये धरती का कौन सा प्राणी है जो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, जो मुझ पर सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहता है, जिसे अपनी लेश मात्र भी चिंता नहीं है, सारी चिंता सारा प्यार मेरे ऊपर ही उंडेलती जा रही है। तीसरी जो रुबाई है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे वो रूपवती मुखड़े पै एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। दीपावली की शाम का समय है और इस समय दीपावली के अवसर पर घर मकान रंग रोगन से पुते हुए हैं, लिपाई की हुई है, विभिन्न प्रकार की साज सामग्री से सजे हुए हैं, चीनी के खिलौने, बच्चों ने अपनी मनपसंद के चीनी मिट्टी के खिलौने खरीद रखे हैं, जगमगाते लावे प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक गली नुक्कड़ और चौराहे में, प्रत्येक घर में बिजली का प्रकाश जगमग कर रहा है, उससे लगता है कि मानो कोई लावा जगमगा रहा हो। ऐसी स्थिति में, ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में वो रूपवती, किसे कहा गया है रूपवती, माँ को, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, नर्म का मतलब कोमल और दमक का मतलब चमक, वो रूपवती, वो रूपवान माँ, वो सुंदर माँ अपने मुखड़े पे, अपने मुख पर, अपने चेहरे पर एक कोमल चमक लिए हुए है, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, और अपने घर के साथ
अपने मकान के साथ साथ बच्चे ने जो मजाक में घरौंदे बना रखे हैं, खिलौने टाइप के मकान बना रखे हैं, उनमें भी माँ दिए जलाती है, जिससे बच्चा बहुत खुश हो जाता है। चौथी रुबाई, आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो है ही, चांद पै ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। आंगन में ठुनक रहा है, जिदी आया है, जो बच्चा है ये आंगन में ठुनक रहा है। जो छोटा बच्चा होता है वह बड़े व्यक्ति की तरह है, बिल्कुल धारा प्रवाह नहीं चल पाता है, वह ऐसे चलता है जैसे मानो उसके झटके लग रहे हों। कभी चल रहा है फिर रुक जाता है, कभी एक पैर पर ज्यादा जोर देता है, कभी दूसरे पर देता है, तो उसका अर्थ होता है ठुनक कर चलना, धारा प्रवाह न चलना। आंगन में ठुनक रहा है, जो बच्चा है यह अपने आंगन में चल रहा है, अपनी टेढ़ी मेढ़ी चाल से चल रहा है, अपनी मस्ती से चल रहा है, जिद आया है और इसने जिद कर ली है। किस चीज की जिद कर ली है? बालक तो है ही, चांद पर लालच आया है, ये बच्चा तो है ही, चांद पर इसका लालच आ गया है, चांद को पाने की इसके मन में ललक उठ गई है। अगली दो लाइनें, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, महाभारत में आपको ले चलते हैं। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य, उनकी पत्नी और एक उनका बेटा अश्वत्थामा, परिवार के तीन सदस्य थे। अश्वत्थामा अपने घर से बाहर खुले मैदान में खेलने के लिए गया हुआ था, बच्चा था, वहां और भी बच्चे गए हुए थे, खेल रहे थे। वहीं एक बच्चा आता है और कहता है, मैं दूध पीकर आया हूं, कोई है जो मेरे साथ कुश्ती कर सके, कोई है जो मेरे साथ खेल सके, कोई है जो मुझे हरा सके। अश्वत्थामा तुरंत अपने घर आता है, अपनी मां से कहता है, मां मुझे दूध पिलाएं। मां ने कहा, बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास गाय नहीं है, मैं आपको दूध नहीं पिला सकती। लेकिन बच्चा तो बच्चा है, जिद करने लगता है, कविता में जो बच्चा है उसी की तरह है, जिद करने लगता है, नहीं मुझे तो दूध पीना है। मां जो जिसने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था, जिन्हें धरती पर भगवान के समान माना जाता है, उस महान जाति की औरत जो द्रोणाचार्य की पत्नी थी, जो विदुषी थी, उसके दिमाग में एक युक्ति आती है, एक उपाय आता है। वह कुछ चावल अपने घर के अंदर से लाती है और उन्हें पानी में भिगो देती है। एक मिनट के बाद, दो मिनट के बाद वह अपनी छलनी से उन चावलों को निकाल लेती है और जो पानी शेष बच जाता है वह सफ़ेद रंग का हो जाता है। बच्चे को दूध पिला पानी पिलाती है और कहती है, बेटा ये दूध है, आप इसको पी सकते हैं। बच्चे ने दूध को पिया, बड़ा खुश हुआ और बाहर जाकर कहता है, मैंने भी दूध पिया है कोई जो मेरे साथ कुश्ती करने के लिए तैयार हो, है कोई यहाँ जो मुझसे ताकतवर हो। प्रिय विद्यार्थियों, कहने का अर्थ है कि माँ जिसके वश में कुछ भी नहीं होता है, वह अपनी संतान को वह वस्तु भी देने के लिए तैयार होती है जहाँ उसका वश नहीं चलता है। द्रोणाचार्य की पत्नी के पास, अश्वत्थामा की माँ के पास कोई दूध नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चे की जिद पूरी की। यही जिद यहाँ इस कविता में माँ पूरी कर रही है, बच्चे को चांद दे रही है, जो कि असंभव सा लगता है। माँ क्या करती है? दर्पण उसे दे के कह रही है माँ। माँ अपने बच्चे को दर्पण दे देती है, आईना दे देती है और कहती है, देख आईने में चांद उतर आया है, कि बेटा देख इस आईने में, इस दर्पण में जो चांद है, ये आकाश का चांद नहीं है,
ये आकाश में चांद नहीं है, अब यह कहाँ है, अब ये धरती पर आ गया है और तुम्हारे पास आ गया है, तुम्हारी जिद पूरी हो चुकी है। पांचवी और अंतिम रुबाई, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। भाई और बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार का यहां वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि रक्षाबंधन के दिन का सुबह का समय है, आकाश में काली काली घटाएं छाई हुई हैं और ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में बहन अपने भाई को राखी बांधती है। और जब बहन अपनी भाई को राखी बांधती है तो उस राखी के लच्छे, लच्छे होते हैं राखी पर एक बिल्कुल पतला महीन चमकदार कागज होता है जो अनेक जगह से कटा हुआ होता है, उसे लच्छे बोलते हैं। वे चमक रहे हैं तो कवि उसकी उपमा देते हुए कहता है कि वे चमकते हुए लच्छे ऐसे लग रहे हैं कि मानो आसमान में बिजली चमक रही है। प्रिय विद्यार्थियों, यह है हमारी कविता रुबाइयां, पूरी हुई। रुबाइयां कविताओं का जो उद्देश्य है, हमें पता चलता है कि माँ बेटे का प्रेम, बहन भाई का प्रेम एक स्वाभाविक प्रेम होता है, प्राकृतिक प्रेम होता है, ये प्रकृति के अनुसार चलने वाली एक स्वाभाविक क्रिया है। हमें भी अपने माता पिता के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, हो सकता है वे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार न करें और समाज को भी एक अच्छा संदेश हम नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार ये हमारी कविता रुबाइयाँ पूरी होती है। आशा है, अपेक्षा है कि आपको यह समझ आई होगी। पूरा प्रयास किया गया है, पूरी कोशिश की गई है कि इस कविता को सरल से सरलतम रूप देकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, आपकी मुश्किलों का, समस्याओं का समाधान करके मुझे बेहद खुशी होगी। धन्यवाद।